नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। खबर झारखंड से, अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा जिला भर में मदरसे शिक्षा के तहत वस्तानिया, फौकानिया, आलिम तथा फाजिल कक्षा की परीक्षा दूसरे दिन भी जारी रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार जैक द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त चल रहा है। बसंत राय के केंद्राधीक्षक के अनुसार परीक्षा को झारखंड अधिविद्य परिषद की शिक्षा बसंत राय की केंद्राधीक्षक के अनुसार परीक्षा को झारखंड अधिविद्य परिषद के दिशा निर्देशों के आलोक में पूर्व पारदर्शिता के साथ विषयवार संपन्न कराया जा रहा है। केंद्राधीक्षक सह प्लस टू उच्च विद्यालय बसंत राय के प्राचार्य ने बताया कि वस्तानिया के छात्रों के लिए केंद्र बनाया गया है। शिक्षकों से चुस्ती और फुर्ती से परीक्षा को पारदर्शी ढंग से पालीवार संपन्न कराया जा रहा है। केंद्र अधीक्षक ने परीक्षार्थियों के अभिभावकों एवं क्षेत्र के ग्रामीणों से आह्वान किया है कि किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र के समीप भीड़भाड़ न लगाएं। अब तक आपका सहयोग सराहनीय रहा है। कोंटा से संवाददाता दिवाकर शर्मा की रिपोर्ट। हाई स्कूल में सर किस चीज़ का एग्ज़ाम हो रहा है इस वक्त? हाई स्कूल में वार्षिक मदरसा बोर्ड के अंतर्गत वास्तानिया परीक्षा 2022 संचालित है और इसमें टोटल स्टूडेंट 62 है, जिसमें प्रथम पाली में 12 विद्यार्थी अब्सेंट थे और 50 प्रेजेंट थे। वही सेकेंड सीटिंग में 15 विद्यार्थी अब्सेंट हैं और 47 प्रेजेंट हैं। अभी परीक्षा बिल्कुल शांतिपूर्वक और कदाचार मुक्त चल रही है। सर ये एग्ज़ाम कितने दिनों तक होगा? ये एग्ज़ाम सर यहाँ पर 1 तारीख तक होगा, 1 अगस्त तक होगा। ठीक है सर, थैंक यू। आपका सर परिचय? मैं चंद्रशेखर पंडित, प्रिंसिपल इंचार्ज, इस वक्त केंद्राधीक्षक। ठीक है सर, थैंक यू। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।